पाकिस्तान के मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपने बहुत जगह देखी होगी। आज हम बनाएंगे इसको बिल्कुल दूसरे स्टाइल में, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्त दबाएं और वीडियो से ज्यादा थम्स अप मस्त दें। तो जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पास कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अगर पास ब्रेड के स्लाइसेस ना हो, अक्सर हमारे पास ये इसके एजेस बच जाते हैं या ब्रेड का लास्ट पीस जो होता है वो बच जाता है, यानी कि ये वाला। आप इससे भी इसके साथ बेहतरीन ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। होममेड ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और ढेरों ढेर बनाएंगे, बाजार से बिल्कुल सस्ते और बासानी आप घर में जब मर्जी बना सकती हैं। और इसके बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। आप इसको कटलेट्स पे, शामी टिक्कियों पे, बहुत सी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रोल्स के अंदर, रोल्स के ऊपर, स्टफिंग में। अगर आपकी स्टफिंग गीली हो जाए तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। चले चलते हैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबा, ये बस तवा है, इसको मैं हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ ऐसे। अब इसके ऊपर मैं अपने सारे पीस रख दूँगी। देखिए 4 अदद। अगर आप थोड़ा सा ब्राउन नहीं पसंद है, ब्रेड क्रम्स अक्सर अपनी अपनी पसंद होती है, तो आप इसको सिंपल भी ग्राइंड कर लेंगे, वाइट निकल आएंगे। कुछ लोगों को वाइट पसंद होते हैं। इसको हम हल्का हल्का सेक लेंगे, बस ब्राउन कर लेंगे इनको दोनों तरफ से। इसी तरह अपने सारे पीस करूँगी, हल्का सा ब्राउन करने तक हम इसको यहाँ पे ऊपर से प्रेस कर लेंगे। हल्का सा ऑयलिंग पीछे भी देखें, बस जो ब्रश पे लगा हुआ है हल्का हल्का। यस, एक तरफ हो जाएगी हमारी अच्छे तरीके से। फिर हम इसको टर्न कर लेंगे, ये देखें जी, इसको हमने सही क्रिस्पी सा करना है। ये देखें, ये भी होगा। और इसको टर्न कर देते हैं दोबारा। देखिए व्यूवर्स, ये मेरी दोनों साइड हो चुकी है। आप देखने कितनी क्रिस्पी हुई। मैं अब इसे प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए, एक डिश ले लें, एक ट्रे लें, उसमें से इसे खुला खुला करके ऐसे रख दें। अब मैं इसको रख दूँगी पंखे के नीचे, ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए, थोड़े से नॉर्मल होंगे, तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे इसके साथ, ताकि ठंडे होकर थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है जी, ब्रेड क्रम्स के जो ब्रेड है वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में आ गए हैं। मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में डाल के। देखिए व्यूवर्स, छोटे छोटे आपने इसके स्लाइसिस के पीस कर लेने हैं, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, ब्लेंड होने के बाद इसकी शक्ल है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये मेरे ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाले और बाज़ार से बहुत से सस्ते, घर में आप बनाएं और ये आपको बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं, कटलेट्स में, नगेट्स में। और अगर आपकी कोई भी डो हो जाए, मतलब कि आपकी डो भी थोड़ी सी पतली हो जाए, तो उसके अंदर आप ये डाल दें, वो फ़ौरन थिक हो जाएगी। थिन के बजाय वो थिक हो जाएगी। बहुत जगह में यूज़ होती है और बहुत ही एक आरामद है। इसको आप जिप बैग लॉग में बंद कर रखें या फिर आप इसको कंटेनर में बंद करके रखें, ये कम अज़ कम 1 से 1.5 महीना चल सकती है। इसी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे फॉलो करते रहें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। मेडी किचन के नाम से ही मेरा पेज है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह नगेबान।